हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज किस वीडियो में फाइनली बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो अभी अभी हमको जानकारी मिली है कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो जारी हो चुका है। तो अभी हमने एक रोल नंबर डाल के चेक किया तो उनका रिज़ल्ट आ चुका था। तो आज की इस वीडियो में आपको हम फुल प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि आप लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को रिज़ल्ट चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी प्रॉब्लम का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आपको एक एक स्टेप आपको देखना है कैसे क्या करना है, तभी आप लोग अपना रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, आपको hindustanknowledge.com सर्च करना है। तो यहाँ पर hindustanknowledge.com आप सर्च करेंगे, क्या करें, hindustanknowledge.com आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे hindustanknowledge.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, क्या यहाँ पर सर्च बार, या फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है बीएड फोर्थ सेमेस्टर, इतना आपको सर्च करना है। जैसे ही आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए CS JMU, यहाँ पर आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर रिज़ल्ट 2023 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा ऊपर, यहाँ पर आप देखिए लिखेंगे डाउनलोड योर रिज़ल्ट। तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर सभी जानकारियाँ आपको दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड रिज़ल्ट सर्वर फर्स्ट सर्वर सेकंड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी सर्वर पर क्लिक कर देंगे। तो हम सर्वर यहाँ पर सेकंड पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पर सर्वर सेकंड पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार ये पेज ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, एनुअल सेमेस्टर स्कूटनी रिज़ल्ट NEP 2020 इरवार वेल्टन एंड अदर एग्ज़ाम। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, आपको एनुअल सेमेस्टर और मेडिकल एग्ज़ाम्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सीशन, कोर्स टाइप, एग्ज़ाम टाइप, कोर्स, ईयर, सेमेस्टर, रोल नंबर सभी आपको देखना है। आप स्किप नहीं करेंगे, आपको एक एक पॉइंट देखना है क्योंकि कुछ बच्चों को रिज़ल्ट देखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लीज़ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2023 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोर्स टाइप आपको UG करना है, एग्ज़ाम टाइप आपको रेगुलर करना है। इसके बाद यहाँ पर कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन आएगा। यहाँ पर आपका बीएड का क्या होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेमेस्टर चूज़ करना है। तो यहाँ पर सेमेस्टर आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो यहाँ पर आप फोर्थ सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, क्या करना है, रोल नंबर डालना है। तो यहाँ पर हम ये रोल नंबर डाल देंगे। ये रोल नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका रिज़ल्ट ओपन होकर आ चुका है। तो इस प्रकार जो आप लोग अपना रिज़ल्ट है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके नंबर इतने आए हुए हैं, तो यहाँ पर इनके नंबर दिखाए गए हैं। तो ये नंबर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इनके देखिए ऐसे ऐसे नंबर आए हुए हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपना बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट चेक कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।